हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो है चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। चार्टर का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि जब कोई कंपनी बनती है तो उसके बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। तो मेनली दो ही जो होते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट मांगे माने जाते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल क्या है। इसे करने से पहले कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप देख लो और अच्छे से सीख लो। देखो, आप इस डायग्राम को देखो, इस पिक्चर को देखो, ये एक पर्सन की पिक्चर है। यहां पर आप देखेंगे तो ये उस पर्सन की बॉडी है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी है, हम इसकी बॉडी देख रहे हैं। अब जब हम इसकी बॉडी देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें सोच रहे होंगे कि भाई इस पर्सन का नाम क्या होगा। अगर हमें इसमें इंटरेस्ट है तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई इस पर्सन का नाम क्या होगा, ये रहता कहां होगा, ये करता क्या होगा, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होगी, इसके पास पैसा वैसा है कि नहीं है, और इसके पेरेंट्स कौन है। मेनली अगर किसी के बारे में जानना है तो आप इतनी बातें तो जानते हो ना, उस पर्सन का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है, करता क्या है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके सभी कितना पैसा है, उसके पेरेंट्स कौन है। अगर किसी के बारे में पता वता करना तो इतना ही मेनली पता किया जाता है। तो आपने जब किसी की बॉडी देखी और आपको उसमें इंटरेस्ट आया तो आप उतनी चीजें उसके बारे में जानना चाहे। तो आप कौन हो, खुद आप एक आउटसाइडर हो, बाहर से आप ये सारी चीजें उस पर्सन के बारे में जान सकते हो, बट उसके अंदर क्या चल रहा है, जो पुंज है, ये रोशनी है, ये उसकी सोल है, वो उसकी आत्मा है, इसके अंदर क्या चल रहा है ये हमको नहीं पता। ये तो इस पर्सन को ही पता होगा ना कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, माने इसके लिए इसके रूल्स क्या है, है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी बॉडी है और उसकी एक सोल है, आत्मा है जो उसके अंदर है, सेम वैसे ही बेटा जो कंपनी होती है, कंपनी को भी माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे ये है नेचुरल पर्सन, तो कंपनी जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब ये जैसे ऊपर तुम बॉडी देख रहे हो, ये नेचुरल पर्सन की बॉडी है। अब हम बोलते हैं कंपनी भी तो पर्सन है ना, कंपनी नेचुरल पर्सन है। तो जैसे नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी एंड सोल होती है, वैसी कंपनी की जो बॉडी होती है उसे मेमोरेंडम बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज द बॉडी ऑफ द कंपनी। तो जैसे हम क्या करते थे, किसी की बॉडी को देखते थे तो ये सारी चीजें पता करते थे ना, अबव मेंशन। तो जब हम कंपनी को देखते हैं तो हम कंपनी का एमओए पढ़ते हैं, मेमोरेंडम, उससे हमें पता लगता है कंपनी का नेम क्या है, तो इसे नेम क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कंपनी कहाँ रहती है मतलब कहाँ रजिस्टर्ड है, इसे सिचुएशन क्लॉज कहते हैं, ओके। देन कंपनी क्या करती है, इसे ऑब्जेक्ट क्लॉज कहते हैं। सेम वही है जैसे आप किसी पर्सन के बारे में जान रहे हो, कंपनी के बारे में जानना है मेमोरेंडम पढ़ लो, ओके अच्छा। उसके बाद आपको जानना रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो लाइबिलिटी क्लॉज आप देख लो। आपको जानना है कंपनी का पैसा कितना है, आप कैपिटल क्लॉज देख लो। और आपको ये देखना है कि कंपनी के पेरेंट्स कौन है, बनाया कौन है, तो इसके लिए आप जो क्लॉज देखते हो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है तो आप उसकी बॉडी देखो, उसकी बॉडी मेमोरेंडम कहलाती है। आप खुद कौन हो, आप एक आउटसाइडर हो, तो आपको अगर कंपनी के बारे में जानना है आप उसका मेमोरेंडम पढ़ लो, आप जान लोगे। अब रही बात सोल की, तो जब इंसान की आत्मा को नहीं देख सके तो कंपनी की आत्मा को क्या देखोगे, तो आर्टिकल जो है वो सोल है, बेसिकली वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो बेसिकली ये जो रूल एंड रेगुलेशन है ये इंटरनल होती है, मतलब कंपनी के डूज एंड डोंट्स होते हैं, इससे एक बाहरी इंसान को कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको एक आइडिया यहां से हो जाना चाहिए कि कंपनी जस्ट लाइक अ पर्सन वर्क करती है, जैसे हमारा शरीर और आत्मा है, लोग शरीर को देखते हैं, आत्मा हमारे अंदर होती है। सिमिलरली कंपनी में भी वही है कि लोग कंपनी के शरीर को, मतलब मेमोरेंडम को देखते हैं, उसमें उनको ये सारी चीजें पता लगती है, और जो आत्मा है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। अब आपको यहां से डिस्टिंग्विश करने कोई बोले
तो आप क्या क्या डिस्टिंग्विश बना सकते हो? एमओए किससे रिलेशन बनाता है? आउटसाइडर से, और एओए इंटरनल है, राइट? पहला डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस, ज्यादा डोमिनेंट हमेशा बॉडी होती है, बॉडी बड़ी होती है, सोल छोटी होती है, तो एमओए हमेशा सुपीरियर होता है, एओए हमेशा इंफीरियर होता है। ये दो डिफरेंस तो अभी आपको पहले समझ जाने चाहिए, फिर आगे मैं और डिफरेंस आपको बताऊंगा। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, और आप चैप्टर देखो पढ़ना क्या, कंटेंट मेमोरेंडम पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर तीन तरह के डॉक्ट्राइन्स पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन माने क्या? रूल्स पढ़ेंगे, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ेंगे एमओए एओए का, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किससे? मेमोरेंडम से। ये जो ऊपर है ना, ये इसकी मीनिंग है, और ये जो नीचे है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। तो पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो मीनिंग का ऐसा है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के शरीर को बनाते हैं, एंड इज देयरफॉर द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। ऐसा फाउंडेशन है जिस पर कंपनी का स्ट्रक्चर बना है। ठीक, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एंड इट्स रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। मैंने आपको यही बात बोली, इट इज जस्ट लाइक अ बॉडी, तो आउटसाइड वर्ल्ड से आपका रिलेशन बनाएगी। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में ये दी गई है कि मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फॉर्म मतलब जो बनाया गया, एंड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको समय समय पर क्या किया गया, चेंज किया गया या बदला गया। तो याद रखना, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, ये भी ओरिजिनली फॉर्म हुआ है, जैसे कंपनी बन रही थी तो हमने क्या किया था, बनाया था, और जरूरत पड़ने पर हमने टाइम टू टाइम इसको अल्टर किया। सर अल्टर वाली बात नहीं समझ आई। तो जैसे आपकी बॉडी में हम ये सब देख रहे हैं, तो नाम बदला जाता है ना आपका भी, आप भी तो अपने एड्रेसेस बदलते हो, काम बदलते हो, आपकी भी जिम्मेदारियां बदलती है, पैसा कभी कम कभी ज्यादा, बस ये एक ऐसी चीज है। कौन सी? पेरेंट्स ये नहीं बदलते, मम्मी पापा विल बी ऑलवेज मम्मी पापा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना कि सब्सक्राइबर्स कभी नहीं चेंज होंगे, बाकी सब चीज जो है बेटा बदल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट, आपको मीनिंग और डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं फॉर्म्स या फॉर्मेट की, मेमोरेंडम का फॉर्म या फॉर्मेट क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है बेसिकली कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में क्या है, फॉर्मेट्स बताए गए हैं। आपकी जैसे नेचर ऑफ कंपनी होगी, आपको उस फॉर्मेट का मेमोरेंडम बनाना होता है। जैसे अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, मतलब वहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल है, तो आप टेबल ए का फॉर्मेट यूज करो। अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो आप टेबल बी का फॉर्मेट यूज करो। सर ये बात नहीं समझ आ रही है। अरे लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है आपकी कंपनी में जो कैपिटल आ रहा है वो बाय शेयर्स आ रहा है, तो जितने लोग शेयर खरीदे उनकी लायबिलिटी उतनी है जितना उन्होंने शेयर खरीदा है, तो उनके लिए क्या है, टेबल ए का फॉर्मेट है। और जहां पर शेयर कैपिटल है ही नहीं, लोग क्या करते हैं, साइन करके देते हैं कि कंपनी को वाइंड अप होगा तुम इतना पैसा देंगे। आपको पहले ही पढ़ाया है लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट, वहां टेबल बी बनता है। अगर कंपनी में गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल सी लगता है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो टेबल डी लगता है। और अगर कंपनी में अनलिमिटेड, कंपनी की बात हो रही है ना, अनलिमिटेड मतलब जहां लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और अगर कोई ऐसी अनलिमिटेड कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल है, तो उसमें टेबल ई लगता है। तो पांच को ना एकदम अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं अपन। अगर एक नॉर्मल कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, तो टेबल ए का फॉर्मेट यूज करो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल नहीं है, तो टेबल बी बनाओ। अगर गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों है, तो टेबल सी बनाओ। अगर तुम्हारी कंपनी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी है, कैसी कंपनी है, अनलिमिटेड मतलब जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है और शेयर कैपिटल भी नहीं है, तो टेबल डी बनाओ। और अगर अनलिमिटेड कंपनी है और उसमें शेयर कैपिटल है, तो टेबल ई बनाओ। तो डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी जैसी होगी, यहाँ पे नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ कंपनी दिखूंगा तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपके कंपनी की लायबिलिटी होगी, उस हिसाब से आप क्या करोगे, उस तरह का आप मेमोरेंडम क्रिएट करो। ठीक है, अब मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है नेम क्लॉज होता है। देखो कंपनी एक लीगल एंटिटी है, तो उसका नाम होना चाहिए ताकि वो अपने नाम से ही सारे वर्क कर सके। नाम उसके एग्जिस्टेंस का सिंबल है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे ही आप सुनते हो आपको समझ आ जाता है ये कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। आप भी जब अपनी आइडेंटिटी सेट करना चाहोगे, ठीक है, एज अ कॉर्पोरेट, तो आपको भी क्या करना होगा, एक नाम तो रखना ही होगा।
हाउएवर आप ये बात याद रखो कि जब आप नाम रखते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब आप किसी कंपनी का नाम रखोगे तो दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 दूसरी बात ये कहता है कि जब आप कंपनी का नाम यूज करोगे तो उससे कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, यह नाम जो है अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं कोई अब्यूसिव वर्ड पे, गाली गलौच पे कंपनी का नाम रख देता हूँ तो इट इज नॉट अलाउड। तो देखो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, दो बातें, एक तो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, दूसरा अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि आप जब कंपनी बनाते हो तो उसमें कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन या नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये दिखाए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो या किसी लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेशन से कनेक्टेड हो। आपको ये, आप प्राइवेट बिजनेस चला रहे हो तो नाम ऐसा रखो जो कहीं से ये ना बताए कि आपका पैट्रोनेज या लॉयल्टी गवर्नमेंट की तरफ है। आपको ये बात नहीं समझ आई होगी, तो जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ बीजेपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक सरकार से क्या हो रहा है, भाजपा की सरकार है ना देश में, तो उनसे कनेक्शन हो रहा है, तो ये मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन जो रूल 8 में मना हो, ठीक है, वो आप नहीं रख सकते, आपको ये बात ध्यान रखना। अब आगे अगर आपको ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 समझ आ गया तो ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल नहीं रखना, अनडिजायरेबल नहीं रखना है। 4 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है अपने को यहाँ पे, 4 सबसेक्शन 3 अपने को ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड कनेक्शन ना दिखे और रूल 8 फॉलो हो। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आपको अभी नाम रखना है तो आपको रन फैसिलिटी का यूज करना होगा, तो हमको यहाँ पे अपडेट पता होनी चाहिए। अगर अभी आप कंपनी बना रहे हो, न्यू नेम आपको चाहिए तो आप स्पाइस प्लस का यूज करोगे, और अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो, अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, रन का यूज करोगे। पहले रन से ही सब कुछ होता था, रिजर्वेशन अंडर यूनिक नेम से नया नाम भी मिलता था, नाम चेंज भी किया जाता था, लेकिन क्या कर दिया गया है अब कि अगर नया नाम चाहिए तो स्पाइस प्लस का यूज करो, और नाम बदलना हो तो रन फैसिलिटी का यूज करो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी अगर है तो इसके अब क्या यूज हो रहा है, स्पाइस प्लस, ये अपडेट से बेटा पता होनी चाहिए। और नाम चेंज करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, रन, ठीक है। तो इसमें हिसाब किताब ये रहता है कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 कहता है कि जब आप स्पाइस प्लस या रन जमा करते हो तो आपका नाम रिजर्व हो जाता है, और 20 दिन का आपके पास वैलिडिटी पीरियड होता है जिसमें आप उस नाम को कैरी करके अपना या तो नाम चेंज कर दो या तो इनकॉर्पोरेट कर दो। जैसे आज मैंने प्रपोज किया नाम जोएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो अगर वो अप्रूव हो गया तो 20 दिन का टाइम आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करने का, ये बात आप मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इसमें कुछ केस लॉज है जो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक केस का नाम है एविंग वर्सेस बटर कप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड, आपको मैं केसेस समझाते जा रहा हूं, आप समझ लो। ये एविंग नाम का जो पर्सन था ना, ये कंपनी का ओनर था, कंपनी का नाम था बटर कप डेयरी कंपनी लिमिटेड। अब क्या हुआ, बटर कप मार्गरीन भी जो थी ना, बटर कप नाम से ही काम कर रही थी, तो एविंग ने क्या किया, उनके खिलाफ ला दिया इंजंक्शन कि मेरी कंपनी का नाम है बटर कप डेरी और ये भी बटर कप के नाम से काम कर रहे हैं, तो इससे लोगों में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, तो उसको नाम यूज करने से रोक दिया जाए। तो वहां पर क्या किया, कोर्ट ने इस बात को सही माना कि बटर कप एक फैंसी नाम है, तो अगर सामने वाली पार्टी भी वही नाम यूज करिए तो दोनों को एक माना जाएगा, तो इसलिए दूसरे को नाम यूज करने से रोक दो। नेक्स्ट केस जो है वो है लास्ट सोसाइटी एनोनिम पैंकर्ड एट लेविसर वर्सेस पैंकर्ड लेविसर मोटर कंपनी लिमिटेड का केस। यहाँ पर क्या था, लास्ट सोसाइटी एनोनिम पैंकर्ड एट लेविसर जो है एक फ्रेंच कंपनी थी, ये क्या करती थी, पेरिस में मोटर कार मैन्युफैक्चर का काम करती थी और पैंकर्ड नाम यूज किया करती थी। अब क्या हुआ, जो सामने पैंकर्ड लेविसर मोटर कंपनी लिमिटेड है ये ब्रिटेन में थी और ये भी क्या है, मोटरसाइकिल्स बेचने का काम शुरू करती, तो पैंगली सोसाइटी ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया कि ये हमारे ही जैसा नाम यूज कर रहे हैं तो इससे हमें इंजुरी होगी या नुकसान होगा, तो इसको नाम यूज करने से क्या किया गया, रोक दिया गया। सब में लगभग एक ही केस मिलेगा देखना। वैसे एटलस साइकिल हरियाणा जो अभी बंद हुई है ना, वर्सेस एटलस प्रोडक्ट का केस भी ऐसा है कि एक बड़ा कॉर्पोरेट नेम है एटलस साइकिल हरियाणा, अब किसी ने एटलस प्रोडक्ट बनाई और वो भी क्या करने लगा, काम करने लग गया, तो एटलस साइकिल हरियाणा ने ये कहा एटलस हमारा ट्रेडमार्क है और अगर ये यूज करेगा तो इससे हमको नुकसान होगा, तो कोर्ट ने ऑर्डर देकर क्या किया, एटलस प्रोडक्ट को इस नाम को यूज करने से रोक दिया।
ठीक है। अब यहां पर ना यह जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि जहां कंपनी को ये बोला गया कि नाम बदलना है, ठीक है, कोर्ट डायरेक्टली नहीं बोल सकता आरओसी को कि तुरंत नाम बदलो। कोर्ट क्या कर सकता है, सिर्फ ऑर्डर पास कर सकता है। आगे कंपनी को पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा और रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन पास करके ही नाम बदला जा सकता है। जादू नहीं है कि कोर्ट ने बोला नाम बदलो तो नाम बदल जाएगा, ये बात मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन नॉट बी परमिटेड टू नेम अ कंपनी इवन आफ्टर हिज पर्सनल नेम इफ दैट नेम रिजेंबल्स द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर कोई कंपनी बनी हुई है और आप अपने पर्सनल नाम से बनाना चाहो तो नहीं बना सकते। जैसे कि एक कंपनी है साईनाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साईनाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब आपके दिमाग में आया यार आपका भी नाम साईनाथ है, आप एक कंपनी बनाओगे, कंपनी का नाम रखोगे साईनाथ, तो अब क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी है साईनाथ इंडस्ट्रीज के नाम से तो आपको ये नाम नहीं मिल सकता। तो आपका पर्सनल नाम है, आप बोलते हो कि आप उस नाम से कंपनी बनाओगे, लेकिन अगर ऑलरेडी अगर ऐसी कंपनी बनी हुई है तो फिर आप कंपनी नहीं बना पाओगे। होप सो आपको ये चारों केस क्लियर हो गए होंगे और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट, सेक्शन 16 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी कंपनी को अपना नाम रेक्टिफाई करने के लिए कह सकती है, और इसके लिए जो समय सीमा होती है वो 3 महीने की होती है। यहाँ पर सरकार ये कहती है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आपका नाम क्या है दूसरी कंपनी से मैच कर रहा है, तो आप इस बात को क्या करो, चेंज कर दो। तो ये आपको होप सो पूरा नेम क्लॉज समझ आ गया होगा, बहुत थरोली पढ़ना। अब उसके बाद बारी आती है सिचुएशन क्लॉज की। सिचुएशन क्लॉज क्या बताता है, सिचुएशन क्लॉज बेसिकली उस स्टेट का नाम बताता है जहां कंपनी सिचुएटेड है, जहां कंपनी सिचुएटेड है। जैसे हमारी कंपनी अगर छत्तीसगढ़ में बनी है तो हमारे यहाँ के मेमोरेंडम में लिखा होगा द कंपनी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देखो, द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड मस्ट बी गिवन इन द मेमोरेंडम, but the exact address of registered office is not required to be stated. Memorandum में सिर्फ state का नाम लिखा होता है, पूरा address नहीं लिखा होता। According to section 12 of the act, within 30 days of incorporation at all time thereafter, the company must have registered office to which all communication and notices may be sent. Company बनने के 30 दिन के अंदर आपके पास registered office होना चाहिए, और इस ऑफिस का डिटेल आपको ROC को देना होता है एक फॉर्म में, जिस फॉर्म को कहा जाता है INC 22। इस बात को आप दिमाग में बिठाओ, एड्रेस के लिए हमेशा जो फॉर्म जाएगा वो कौन सा जाएगा, INC 22। तो एड्रेस अगर बदलना भी होगा तो क्या जाएगा, INC 22 जाएगा। आपको ये बात नहीं भूलनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसका काम क्या है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि आपको नेम और एड्रेस जो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के हिसाब से ना अपने सारे बिजनेस लेटर बिल हेड पेपर सब पे डालना होगा। तो कंपनी को क्या करना होगा, नेम एंड एड्रेस जो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसको एक लेजिबल लेटर्स में, लेजिबल लेटर मतलब ऐसा फॉन्ट जो समझ आए और प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है, सील लगाकर, अपना सिन नंबर देकर, ठीक है, जितने बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक में सब में क्या करना होगा, लिखना होगा। और यदि आपने कंपनी का नाम बदला है और अभी 2 साल नहीं बीते तो आपको नया नाम भी लिखना पड़ेगा और पुराना नाम भी लिखना होगा। जैसे मैं अभी 2020 में मेरी कंपनी का नाम है जमशेद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और अभी मैंने नाम चेंज करके इसको कर दिया है जोएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो अप टू 2022 तक मुझे कैसे लिखाना होगा, जोएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब्रैकेट में फॉर्मरली जमशेद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसा दिखाना पड़ेगा मेरे को, ध्यान रखना, ये रूल है ना। तो आपको ये सिचुएशन क्लॉज समझ आ गया होगा। सिचुएशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ये पर्पस बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है। ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बताता है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज पावर डिफाइन करता है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं कर सकती। जैसे कंपनी का नाम है आदित्य ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है टू कैरी ऑन बिजनेस
ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आपको इसे समझ आ जाएगा ना, कंपनी का नाम आदित्य ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है और ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर ये दिखाए कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी तो यही काम करेगी। तो ऑल कंपनी मस्ट स्टेट इन देयर मेमोरेंडम द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड इन फर्दरेंस, मतलब और कोई बात देखनी हो तो। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट्स डिटरमाइन द पर्पस एंड कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। It indicates the purpose for which the company has been set up and its actual capacity beside its sphere of activities. ठीक है, इतना भी लाइन आप लिख देंगे तो बहुत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। Then liability clause क्या बताता है कि कंपनी के members की liability कितनी है। अब liability या तो limited हो सकती है या तो unlimited हो सकती है। Limited भी है तो कैसे होगी limited, या तो by shares होगी, मतलब जितना share खरीदे उतना पैसा देना है, या तो by गारंटी होगी कि जितना अमाउंट गारंटी कर दिए वाइंडिंग अप पे उतना देना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे तो ये हिस्सा हो गया बाय शेयर का, ये दूसरा हिस्सा हो गया कौन सा, बाय गारंटी का। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज जो आता है वो आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज जो होता है वो बताता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्लॉज जो है वो बताता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट स्टेटेड इन एमओए अप टू विच कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। अप टू विच कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट बताता है जो एमओए में लिखा है जिस हद तक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आज आप एक बिजनेस कर रहे हो, कैपिटल लगेगा ही, तो क्या होता है आपसे प्रोजेक्शन ले लिया जाता है कि मैक्सिमम कितना कैपिटल आप शेयर बेचकर लाओगे। तो आप जो स्टेट करोगे, आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपसे फीस भी उसी हिसाब से चार्ज की जाएगी। तो कैपिटल क्लॉज जो है बेसिकली ऑथराइज कैपिटल बताने के लिए कि इतने शेयर्स बेचने के लिए आप अलाउड हो। कैसे शेयर बेच सकते हो, तो इक्विटी और प्रेफरेंस दो तरह के शेयर आप बेच सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देन उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये आपके पेरेंट्स हैं और ये चेंज नहीं हो सकते। तो सारे क्लॉज ऊपर के चेंज हो गए, याद रखना ये चेंज नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज एक डिक्लेरेशन है कि हम वो लोग हैं जो अभी अग्री कर रहे हैं कि हम इस कंपनी के इनकॉर्पोरेटर्स हैं, मतलब हम इसको साइन कर रहे हैं और हम इस कंपनी में एक एक शेयर एटली जरूर देंगे और अपना नाम लिखकर साइन बराबर करके देंगे कि हमने मिलकर कंपनी को बनाया है। तो इससे हमेशा याद रखो ये पता चलता है कि एक्चुअल में कौन वो लोग थे जिन्होंने इस कंपनी को फाउंड आउट किया है। ये टोटल क्लॉजेस पढ़ने हैं। इसके अलावा मैं एक प्लस करूंगा यहाँ पे, ये सातवां क्लॉज नॉमिनी क्लॉज। अगर आपकी एक वन पर्सन कंपनी है, ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, तो उसमें क्या होता है सिंगल पर्सन ने कंपनी फॉर्म करी है। अब अगर उसको कुछ हो गया, वो मर गया तो क्या, तो नॉमिनी क्लॉज भी डाला जाता है वन पर्सन कंपनी में, जिसमें ये बताया जाता है कि आपका नॉमिनी कौन है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी जायदाद या जो ओपीसी की पूरी प्रॉपर्टी है उस नॉमिनी के नाम जाएगी। तो नॉर्मल कंपनियों में सब्सक्रिप्शन क्लॉज तक है, लेकिन अगर आपकी ओपीसी है तो नॉमिनी क्लॉज भी होगा, ये बात मत भूलना, आप इंपॉर्टेंट है। अब वहां पर देखो कि पूरा मेमोरेंडम हो गया, तो नेक्स्ट चीज आती है आर्टिकल। आर्टिकल हमारी क्या आत्मा है, बाहरी इंसान को तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो ये वाली बेटा हो गई देखो मीनिंग, यहाँ पे ये हो गया मीनिंग। मीनिंग क्या बोलती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करती है। और डेफिनेशन क्या हो गई, आर्टिकल वो है जो ओरिजिनली फ्रेम किया गया है या टाइम टू टाइम पे क्या किया गया, ऑल्टर किया गया है, जो बनाया गया या समय समय पर बदला गया उसे बेसिकली आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल से आउटसाइडर को कोई मतलब नहीं है, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है, मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनको मतलब है आर्टिकल से, आउटसाइडर को कोई मतलब नहीं है। आत्मा का मतलब हमारे अंदर से है, बाहर का इंसान हमारी आत्मा को कहां से देखेगा। तो आर्टिकल के कंटेंट अगर मैं बताऊं तो क्या क्या होते हैं, तो जैसे आपने ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ पे फॉर्म पढ़ा था ना मेमोरेंडम का, कौन कौन सा फॉर्मेट होता है, ए बी सी डी ई, ये पढ़ा था। आर्टिकल का भी बेटा वैसे ही फॉर्मेट होता है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फॉर्मेट हम बना लेते हैं।
कैसा कैसा फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर होता है टेबल ई, सॉरी टेबल एफ जी एच आई जे। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करो, टेबल एफ का। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, टेबल जी का। अगर शेयर एंड गारंटी दोनों है, टेबल एच का। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो आई का, अगर फिर अनलिमिटेड कंपनी है तो टेबल जे का। तो ये फॉर्मेट है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे लिख दिया है एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ। टेबल एफ क्यों लिया गया है, क्योंकि अज्यूम किया जा रहा है कि अक्सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है। ये कंटेंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा रहता है अभी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से बने, मतलब कंपनी बनने से पहले कौन से कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। शेयर कैपिटल का डिटेल, प्रेफरेंस शेयर का डिटेल, अलॉटमेंट का, कॉल का, लीन का, ट्रांसफर का, ये अनलिमिटेड लिस्ट है। कुछ 8-10 पॉइंट इसके पढ़ देना, बहुत है, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, कंटेंट से आता जाता कुछ नहीं। ये पूछता है एग्जाम में क्या आर्टिकल मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट है, तो बिल्कुल। आप ये देखोगे ना तो जैसे शरीर हमेशा बड़ा होता, शरीर है तो आत्मा है ना, बिना शरीर के आत्मा क्या करेगी। तो अगर शरीर मेमोरेंडम है और आर्टिकल आत्मा है, तो हमेशा याद रखना आर्टिकल आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। ये लाइन पढ़ दो, आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर सबऑर्डिनेट टू एंड सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एनी क्लॉज इन द आर्टिकल गोइंग बियॉन्ड मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या, बियॉन्ड अथॉरिटी, बियॉन्ड अथॉरिटी। बट द आर्टिकल्स आर ओनली इंटरनल रेगुलेशन ओवर विच मेंबर ऑफ द कंपनी हैव फुल कंट्रोल एंड मे ऑल्टर देम अकॉर्डिंग टू व्हाट दे थिंक फिट। ओनली केयर हैज टू बी टेकन टू सी दैट रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल डू नॉट एक्सीड द पावर ऑफ द कंपनी एज लेड डाउन इन मेमोरेंडम। आप आर्टिकल को जब चाहे तब बदल दो, बस ये याद रखना है कि मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर MOA में ये लिखा है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 5 करोड़ है। पहले AOA में भी यही लिखा था कि ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, अल्टर करके 10 करोड़ करना चाह रहे हो। आप नहीं कर सकते, जब मेमोरेंडम में 5 करोड़ लिखा है तो आप कैसे 10 करोड़ कर दोगे आर्टिकल में। तो याद रखना कोई भी चेंज करोगे वो मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट रहेगा, ये बात आप मत भूलना, अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर रुकते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बाकी के प्रोविजंस करेंगे। इस चैप्टर में आप डॉक्ट्राइन और मेमोरेंडम का मतलब पढ़ रहे हो, अगले चैप्टर में आप करोगे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऑल्टरेशन कैसा होता है, और ऐसा करने पर आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा।